हेलो गाइज टू डे डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो वाट इज़ आर यानी कि इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होते हैं और ये किस देश से कर सकते हैं क्या इंडिया से कर सकते हैं या अलग भी कर सकते हैं और इसमें क्या क्या नियम और कंडीशन लागू होते हैं दोस्तों तो अब मैं बात करूंगा इस वीडियो में जैसे कि इसमें लिखा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ गॉट रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट मेडिकल काउंसिल आफ्टर फिनिशिंग द अंडर ग्रेजुए ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स इन कॉलेज रिकोगनाइज बाई स्टेट गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड मेडिकल मीन्स आर एम पी ओ पर्सन होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कहाँ है हो स्टेट मेडिकल काउंसिल में कब हो आफ्टर फिनिशिंग यू जी मेडिकल कोर्स कंप्लीट हो ऐसे कॉलेज से जो एम सी आई से अप्रूव्ड हो हम बात करेंगे इट मीन्स बींग रजिस्टर्ड एट द स्टेट मेडिकल काउंसिल आर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एम सी आई आ रजिस्ट्रेशन नंबर इज गिवेन विदाउट विच आ पर्सन कैन नॉट प्रैक्टिस इन द इन दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इंडिया इट इज़ द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मीन्स जब कैंडिडेट का कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एम सी आई में रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो क्या होता है जिसके बिना वो अपने स्टेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर फिनिशिंग फोर पॉइंट फाइव ईयर यानी साढ़े चार साल का कोर्स ऑफ एम बी बी एस एंड वन ईयर ऑफ इंटर्नशिप अ पर्सन इज़ एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड बिकम आ आई एम पी जैसे किसी छात्र ने साढ़े चार साल का कोर्स किया एम बी बी एस का कंप्लीट कर लिया उसके बाद उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वन ईयर यानी एक साल की इंटर्नशिप करनी होगी उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा सकता है वो एम और आर बन सकता है एम में रजिस्ट्रेशन करा के वो आर बन सकता है द इंडियन पीपल हु गोट हु गेट देयर एम डिग्री फ्रॉम अदर कंट्रीज कैन नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया अंटिल द क्वालिफाई इंडियन एग्जाम एंड गेट रजिस्टर्ड टू एम अदर कंट्रीज लाइक चाइना रसिया यू एस ऐसा कोई भी पर्सन जिसने किसी अदर कंट्री जैसे से डिग्री प्राप्त हुआ जैसे चाइना रसिया यू एस ए यहाँ से अगर एम बी बी एस की डिग्री कम्प्लीट की है तो यहाँ की वो इंडिया में पर्सन प्रैक्टिस नहीं कर सकता है कब तक जब तक वो इंडियन एग्ज़ाम को क्वालिफाई ना कर ले और अपना रजिस्ट्रेशन एम सी आई में ना करा ले मतलब हर एक देश के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तो इसको पेपर क्वालिफाई करने के बाद ही वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है और आरएमपी बन सकता है थैंक यू दोस्तों वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू दोस्तों जय हिंद